प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर धामपुर से है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को खत्म करने की मांग को लेकर भाकियू ने किया चक्का जाम। भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न गुटों ने आज धामपुर के कई स्थानों पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मेहरा ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में धामपुर नगीना मार्ग पर ग्राम हबीबवाला बस अड्डा स्थित कार्यालय के सामने सड़क पर चक्का जाम किया गया। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने धामपुर नहटोर मार्ग पर प्रयास हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम किया और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि ब्लॉक को अविलंब वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। प्राइम न्यूज 24 के लिए धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और जी आज ये जो धरना हम देने के लिए मजबूर हुए हैं कि हमारे भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से सब जो है ना धन वो अपने काले कानून के खिलाफ दिल्ली में चले थे। अगर जब वापिस लिया जा उन पर रास्ते में लट फेरा गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस छोड़े गए, तो उनकी अब बहुत जांच की गई। तो हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं इस धरने के माध्यम से कि आप जो है ना अगर हम बनाना जानते हैं तो हम उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन तोमर के वे सदस्य हैं, अब जो सभी किसान मजदूर हैं, छत्तीस बिरादरी के यूनियन है, इनमें समिति ताकत है कि जो चाहेंगे वो कर देंगे। भाजपा सरकार किसानों के हित की बात करती है, 2000 रुपए किसानों के खाते में डलवाने की बात करती है और अन्य सहयोग की बात करती है, सरकार के बारे में क्या कुछ कहना है? ये इसके सरकार की सुन लो जी, आज जो है ना 20% के खातों में पैसे जा रहे हैं, वरना जो है ना 80% बेचारे कागज दो दो चार चार बार दस दस बार बनवा के बैठ गए, उनके खाते में आज तक पैसे नहीं आए। क्या सरकार है 20% के वो कह रहे हैं, अब 20% में भी हमें तो मैं फालतू बता रहा हूँ 10% के जो है ना हर आदमी जो भी हमें मिलता है कि हमारे वो करवा दो उनका भैया अपना खाता अपने कागज ID उसमें जमा करो, कह रहे जी हमने 10-10 बार जमा करवा दी, तो ये कहाँ के पैसे जा रहे हैं जी खाते में बताइए? योगी के खाते में जा रहे, हम ये नहीं कहते हमें किसके खाते में जा रहे, लेकिन हमारे किसानों के खाते में नहीं आ रहे।